जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक मिनट में पेयर कीजिए अपने सैमसंग का रिमोट सैमसंग स्मार्ट टीवी के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एस्टेक गाइड और मेरा नाम है सुमन। दोस्तों ये है सैमसंग का रिमोट जिसका फंक्शन की आप लोग देख लीजिए। ये है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन और बीच में प्रेस करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। इसके राइट में है आपका चैनल अप चैनल डाउन और बीच में प्रेस करने से मेनू ओपन हो जाएगा। बीच में है आपका होम बटन और इसी के लेफ्ट है बैक और राइट में प्ले पॉज और ऊपर में है ओके। इसका लेफ्ट राइट और अप डाउन का बटन आप लोग देख रहे हैं और इसी के ऊपर में है माइक बटन 1 2 3 4 5 का बटन और राइट में है कुछ कलर की और नीचे है नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो G5 का हॉट की। हम लोगों का मेन जो चीज़ है वो है होम बटन का लेफ्ट बटन और राइट में प्ले पॉज का जो बटन है वही वाला बटन हम लोगों का मेन काम का चीज़ है। तो ये रहा टीवी। चलिए देखते हैं टीवी के सेंसर के पास रिमोट ले जाके ये बैक बटन और प्ले पॉज का बटन एक साथ प्रेस करना होगा और प्रेस करके तब तक पकड़िए जब तक ऐसा शो ना हो जाए टीवी में और ओके बटन दबाने से पेयरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों टीवी का पेयरिंग हो गया रिमोट के साथ। अभी रिमोट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और सामने कोई गार्ड या फिर मेरा हाथ भी है फिर भी रिमोट काम कर रहा है क्योंकि रिमोट कनेक्टिंग है बहुत ही अच्छे से।